आरजेडी में बगावत पे उतरे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के फैसले को बदल के रख दिया है। जहानाबाद लोकसभा सीट पे अपने उम्मीदवार को उतारने की जीत पे अड़े हैं तेज प्रताप। आज जहानाबाद से आए कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद तेज प्रताप ने मीडिया से सीधे तौर पर कहा कि वो जहानाबाद से अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे और 24 तारीख को नॉमिनेशन करने की बात भी उन्होंने कही। तेज प्रताप ने सीधे तौर पर कहा कि आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए, हम खुद उसमें आएंगे। जाहिर तौर पर राजद ने महागठबंधन में सीट बंटवारे करते हुए अपने जहानाबाद से उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जिस पे तेज प्रताप और उनके समर्थक काफ़ी नाराज हैं। पहले से भी तेज प्रताप लोकसभा के दो सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के दो सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने उनके बात को नहीं सुना था, जहानाबाद में तो उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई थी लेकिन शिवहर में उम्मीदवार को छोड़ दिया गया था। अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि वहाँ पर तेजस्वी तेज प्रताप से बातचीत करके सुलझा लेंगे, तब कहीं उम्मीदवार की घोषणा होगी। लेकिन आज तेज प्रताप के जो बागी तेवर है वो साफ दिख रहे हैं। तेज प्रताप ने जिस तरीके से कहा कि वह बार बार तेजस्वी यादव और दूसरे नेता से बात भी करते रहे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, लिहाजा अब 24 तारीख को अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका नॉमिनेशन करवाएंगे। क्या कहा तेज प्रताप ने, पूरा बयान सुनिए। आप लोग क्या चाहते हैं तेज प्रताप जी से, क्या आप लोग कह रहे हैं? तेज प्रताप जी, आपके से मिलने के लिए इतने आपके समर्थक लोग आए हुए हैं। शिवहर से भी लगातार आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे जहानाबाद को लेकर के जिस तरीके से सुरेंद्र जी का है कि 18 बार से वो हार रहे हैं जी, और पब्लिक उनको पसंद नहीं करी है। तो जो पब्लिक का मसला को उठाने का काम करेगा, जो पब्लिक हित का जो बात करने का जो काम करेगा वो आएगा, वो जनता का प्रतिनिधि होगा। अब तो यही जनता है, यही पूरी महान बिहार की और तमाम जनता जो चुनने का काम करती है। तो इन लोग का डिमांड है, तो इन लोग का डिमांड को सुनना चाहिए। कल तेजस्वी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने तेजस्वी जी से भी बात की। तेजस्वी जी बोले देखेंगे करेंगे। असमंजस में फिर नाम अनाउंस हो गया सुरेंद्र जी का, अब आए हैं इन लोग का, तो अपना चुनाव लड़ेंगे। इनका नॉमिनेशन होगा। चंद्र प्रकाश जी कौन है? चंद्र प्रकाश जी हैं चंद्रिका जी के, जो वहाँ बीएड कॉलेज है, तमाम सब चीज है, इनका पकड़ रहा है। और पिताजी के साथ रहे हैं। अच्छा, पिताजी के साथ रहे, छात्र जीवन से साथ में रहे पिताजी। और डिमांड है कि नौजवान का, तो आप इनके साथ हैं चंद्र प्रकाश जी के? जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ। अंगेश को भी आप टिकट देने के लिए बोले हैं? अंगेश जी के लिए भी मैंने बात किया तेजस्वी जी से। अच्छा, तेजस्वी जी बोले हैं एक दो दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बता देंगे। अगर नहीं मिला इन लोगों को टिकट तब क्या करेंगे? अच्छा तेज प्रताप जी, 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं।